नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड बीपीएससी बितके के। और मैंने अभी एक सीरीज शुरू की थी जिसके अंतर्गत, जैसा कि आपको मालूम हो, जो मध्य प्रदेश एमपीपीएससी प्री का जो नया पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग हमें अब डीपली तरीके से पूरे के पूरे मध्य प्रदेश को पढ़ना होगा, जिसके अंतर्गत हमने देखा था किस तरीके के क्वेश्चन हमसे पूछे गए थे। और इसी क्रम में मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे पहले मैं मुख्यमंत्री डिस्कस करूंगा, उसके बाद राज्यपाल पर आएंगे, उसके बाद जो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश उन सभी को देखेंगे, फिर मध्य प्रदेश के जितने भी मुख्य सचिव हुए हैं इन सबको हम बारीकी से कवर कर लेंगे। और इसी क्रम में आज हम मध्य प्रदेश के सेकंड मुख्यमंत्री को डिस्कस कर रहे हैं। क्षमा चाहूंगा कि इन कारणों से यह वीडियो रेगुलर नहीं आई है, लगभग 2 दिन का हमारा बीच में गैप हो गया है, उसकी भरपाई मैं जल्दी करूंगा, अधिक से अधिक संख्या में वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। कुछ स्वास्थ्य कारणों से मैं लगातार वीडियो नहीं ला पाया, उसके लिए आप सभी लोगों से मेरी करबद्ध आप सभी लोगों से मैं क्षमा याचना करना चाहूंगा। और इस लेक्चर की जो पीडीएफ है दोस्तों, भाई इवनिंग में आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। यू कैन गो जॉइन माय टेलीग्राम चैनल, देयर आई विल प्रोवाइड यू पीडीएफ विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट। और इसमें आज हम डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश के सेकंड मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश के पहले कार्यवाहक मुख्यमंत्री, जिनका नाम क्या था, भगवत राव मंडलोई। काफी अधिक इंपॉर्टेंट है नाम है इनका। और आप देखेंगे रविशंकर शुक्ल मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे और उनके बाद यह मुख्यमंत्री बनते हैं और मध्य प्रदेश के प्रथम कार्यवाहक मुख्यमंत्री भी होते हैं। और साथ ही साथ मध्य प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री जो कि मुख्यमंत्री के पहले स्वतंत्रता सेनानी भी थे, अर्थात आजादी का जो महासंग्राम था उसमें इन्होंने भाग भी लिया था, चाहे वह गांधी जी का नमक आंदोलन हो, सत्याग्रह हो, सभी में इनका भागीदारी थी। तो देखते हैं क्या है, चलिए शुरुआत करते हैं, परिचय देखते हैं इनका। सबसे पहले इनका राजनीतिक जीवन देखते हैं दोस्तों। भगवत राय मंडलोई का जन्म 10 दिसंबर 1892 को मध्य प्रदेश के जिला खंडवा में हुआ था। काफी अधिक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पर मिलता है हमको, कहां हुआ था खंडवा में। अगर आप डेट याद नहीं कर सकते तो केवल इतना याद रख लीजिए, जन्म कहां पर हुआ था, खंडवा में। इनके पिता का नाम अन्ना भाऊ मंडलोई था, इनकी माता का नाम नथुबाई मंडलोई था। इन्होंने मैट्रिक की शिक्षा सागर से की थी और बीए की पढ़ाई के लिए जबलपुर गए थे। और इलाहाबाद से इन्होंने क्या किया था, एलएलबी की थी, अर्थात यह भी क्या थे, अभिवक्ता थे। तो आपको याद रखना है दोस्तों, यह भी वकील थे और जो प्रथम हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे वह भी वकील थे और साथ ही साथ शिक्षक भी थे। आगे देखते हैं, भगवत राव मंडलोई ने 1917 में वकालत शुरू की। 1919 से 1922 तक वह खंडवा नगर पालिका के सदस्य भी चुने गए। अब यहां पर क्वेश्चन आपसे किस तरीके के पूछे जा सकते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा मुख्यमंत्री है जो कि पहले पार्षद रहा, उसके बाद वह नगर पालिका अध्यक्ष बना और उसके बाद आप देखेंगे मुख्यमंत्री तक का उसने सफर पूरा किया। तो यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आपको याद रखना है नगर पालिका में सदस्य चुने गए, अर्थात पार्षद भी चुने गए थे तथा खंडवा नगर पालिका के उपाध्यक्ष भी रहे हैं। और 1925 से 1933 तक और 1944 से 1948 क्या रहे हैं, नगर पालिका खंडवा जो नगर पालिका है उसके अध्यक्ष भी रहे हैं। तो यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है। गांधी जी से प्रभावित होकर इन्होंने वकालत छोड़ दी थी दोस्तों। 1939 में इन्होंने क्या किया था, व्यक्तिगत सत्याग्रह, और 1942 में इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाषण देते हुए घंटाघर चौक से ही गिरफ्तारी कर लिया गया था। तो यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। देखते हैं फिर 1947 में मध्य प्रांत और बरार राज्य, जो कि आप समझ सकते हैं वर्तमान मध्य प्रदेश के अंतर्गत ही आते हैं यह, और यह दोस्तों देखते हैं जो यह पार्ट ए में आते थे, तो याद रखना है आपको यह किस पार्ट में आते थे, पार्ट ए में आते थे, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए पार्ट ए बी सी में डिवाइड किया गया था और पार्ट ए में इसके अंतर्गत मध्य प्रांत और बरार आते थे। से संविधान निर्माण सभा के सदस्य भी चुना गया था। तो यहां पर सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा बनता है कि जो याद रखना है आपको दोस्तों, कभी भी याद रखिए, वेन एवर यू प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस यू शुड ट्राई टू इंटरलॉक योर ऑल क्वेश्चन। दोस्तों आपको इंटरलॉक करना होगा, आपको धीरे धीरे करके एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन को कोरिलेट करना होगा, विदाउट कोरिलेटिंग वी कांट वी गॉट राइट आंसर। तो दोस्तों मैंने आपको शुरुआत में बताया था जो रविशंकर शुक्ल थे वह भी स्वतंत्रता सेनानी थे, साथ ही साथ उनको भी संविधान सभा के सदस्य थे, और जो हमारे सेकंड मुख्यमंत्री हैं वह भी संविधान सभा के सदस्य थे। तो आपसे क्वेश्चन इसी तरीके के पूछे जा सकते हैं कि इनमें से कौन मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री था जो संविधान सभा का सदस्य नहीं था। तो उसमें आपको दो नाम तो यह दे दिए जाएंगे, आगे हम देखेंगे और कौन कौन जो मुख्यमंत्री आते हैं उनमें से कौन कौन रहे या नहीं रहे। परंतु अभी हमको मालूम चल गया कि जो दो हमारे प्रारंभ के मुख्यमंत्री हैं, प्रथम आपके रविशंकर शुक्ल और उसके बाद में आपके ये भगवत राव मंडलोई, दोनों संविधान सभा के सदस्य थे। दोस्तों जैसे ही हम इस सीरीज को पूरा खत्म करेंगे, आपको एक ब्यूटीफुल काफी अच्छी तरीके की, मैं आपको काफी इजी तरीके की आपको ट्रिक बताऊंगा जिसके माध्यम से आप पूरे मुख्यमंत्रियों को याद कर लेंगे काफी इजी तरीके से। उस ट्रिक में आपको पूरे नाम याद हो जाएंगे, परंतु आपको यह जो पूरी इंफॉर्मेशन है इसको आपको ही याद करना होगा, इसकी कोई ट्रिक नहीं है और ट्रिक से याद होंगे भी नहीं। तो आपको इसको तो खुद ही तरीके से समझ लीजिए, काफी गहराई से आप समझ लेंगे, याद हो जाएगा, बार बार मैं आपको रिवाइज कराता जाऊंगा।
यहाँ से देखते हैं, यहाँ पर संविधान सभा के सदस्य भी चुने गए थे। वर्ष 1950 में मध्य प्रांत और बरार राज्य को समाप्त कर नए मध्य भारत राज्य में मिला दिया गया, और 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत मध्य भारत को नए मध्य प्रदेश में मिला दिया गया। अब देखते हैं इनका कुछ राजनीतिक जीवन देखते हैं हम लोग। तो 1952, 1957, 1962 में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों में वह कांग्रेस के विधायक चुने गए। तो लगातार आप देख सकते हैं यहाँ पर तीन बार इन्होंने इस बार चुनाव किया, एक बार 1952, 1957, फिर आप देखेंगे 1962। तो यह विधानसभा से चुने गए। पहली बार विधायक चुनने के पश्चात यह मध्य प्रदेश की रविशंकर शुक्ल सरकार में मंत्री भी रहे। तो याद रखना है रविशंकर शुक्ल भी मिनिस्टर थे, यहाँ पर यह भी मिनिस्टर है, तो यह काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यह रविशंकर शुक्ल की जो सरकार थी उसमें यह मिनिस्टर भी थे। इसके बाद देखते हैं 31 जनवरी 1956 को मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ल का निधन हो जाता है, और उसके बाद मंडलोई ने 9 जनवरी 1957 से 30 जनवरी 1957 तक मध्य प्रदेश के प्रथम कार्यवाहक, याद रखना है दोस्तों, प्रदेश के कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में नेतृत्व किया। तो मध्य प्रदेश के प्रथम कार्यवाहक मुख्यमंत्री कौन थे? भगवत राव मंडलोई, जो कि मध्य प्रदेश के सेकंड मुख्यमंत्री भी थे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 21 दिन की कार्यवाहक सरकार चलाने के बाद कांग्रेस हाईकमान के आदेश पर इन्होंने क्या दे दिया? इस्तीफा दे दिया, और इनका स्थान किसने लिया? कैलाशनाथ कटजू को मुख्यमंत्री बनाया गया। परंतु आप देखेंगे 1962 विधानसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी ने किसके नेतृत्व में लड़ा? कैलाशनाथ कटजू के नेतृत्व में लड़ा, परंतु यह चुनाव हार गए। कांग्रेस तो चुनाव जीत गई, परंतु खुद मुख्यमंत्री चुनाव हार गए, और अपनी चुनाव सीट थी उससे चुनाव यह हार गए थे। इसके बाद आप देखेंगे कैलाशनाथ कटनू के हार जाने के बाद विधानसभा में मंडलोई के कद को देखते हुए मुख्यमंत्री पद के लिए चुना गया। 12 मार्च 1962 से 29 सितंबर 1963 तक उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रूप में नेतृत्व किया। पार्टी में आसवी खींचतान के चलते इन्होंने 29 सितंबर 1963 को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, और हाईकमान के द्वारा उनकी जगह द्वारिका प्रसाद मिश्र को मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो इसके बाद कौन बनते हैं दोस्तों? द्वारिका प्रसाद मुख्यमंत्री बनते हैं, तो उसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं लास्ट कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। 1967 के बाद मंडलोई सक्रिय राजनीति से दूर हो जाते हैं दोस्तों। शुरुआत में मैंने आपको बताया 1952, 1957 और 1962 में यह बनते हैं। इसके बाद आप देखेंगे यह दूर हो जाते हैं 1967 के बाद में, और यह साधारण जीवन व्यतीत करने लगते हैं। 1970 में दोस्तों राष्ट्रपति ने इन्हें क्या दिया था? पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट यह फैक्ट है, इसको याद रखिए, डेट को भी, इसको सन को भी याद रखिए। और यहाँ पर पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश के ऐसे कौन से मुख्यमंत्री हैं जिन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, क्योंकि अब पूछे जाने को तो वो कुछ भी पूछ सकते हैं, हमें सब कुछ ही पढ़ना होगा। इसी तरीके की सोच रख के अगर आप पढ़ेंगे तो यू विल क्रैक MPPSC ईजिली। और इन्होंने क्या किया दोस्तों? खंडवा के विकास के लिए काफ़ी प्रयास किए थे, और 3 नवंबर 1977 को उनका क्या हो गया था? निधन हो गया था। अब इसके बाद आपसे पूछता हूँ कुछ क्वेश्चन जो कि काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है, इसका जवाब आपको देना है दोस्तों। सभी से मेरी रिक्वेस्ट है दोस्तों, आपको यह लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, इसकी जो PDF है वह भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, बस केवल आंसर जरूर दीजिए दोस्तों, यह आप ही लोगों को बेनिफिशियल होगा। तो भगवत राम मंडलोई कितनी बार मुख्यमंत्री रहे? एक बार रहे, दो बार रहे, तीन बार रहे, या फिर चार बार रहे? यह आपका क्वेश्चन है। आई होप एवरी पर्सन हु इज वॉचिंग दिस वीडियो दे विल डेफिनेटली गिव मी आंसर, एंड आई होप यू विल डेफिनेटली गिव आंसर। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, बने रहे हमारे साथ टारगेट फॉर IAS MPSC विद KK। इफ यू वांट टू जॉइन माय टेलीग्राम चैनल, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, यू कैन गो जॉइन माय टेलीग्राम चैनल, देयर आई विल प्रोवाइड यू PDF विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट, यू डोंट नीड टू पे एनी टाइप्स ऑफ फीस फॉर दिस PDF। इवनिंग में आपको PDF मिल जाएगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, इसके बाद जो हमारे नेक्स्ट मुख्यमंत्री होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। इसी तरीके से आप लोगों का प्यार बरकरार रखिए, वीडियो को शेयर जरूर करिए जिन्हें इसकी आवश्यकता है, जो भी ग्रुप्स हैं उन सब में आप शेयर करिए दोस्तों। अधिक से अधिक संख्या में जब आप लोग इसे देखेंगे हमारा मोटिवेशन और अधिक बढ़ता है। धन्यवाद।